मेरे पास पेपर है। कल एग्जाम हुआ था कर्नाटका सीईटी का। मेरे एक फ्रेंड ने भेजा जो बेंगलोर में है। उनका बेटा जो है इसमें अपेयर हो गया और उसने मुझे की बनाने के लिए भेजा। मैंने उसको कहा मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको भेजता हूँ, तो अब इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई विल अपलोड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। ऑल दो मैंने काफी देर से उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मगर अब आज जो ये जो केसीईटी का जो एग्जाम था, इसके जो मैंने क्वेश्चंस देखे तो एक इंटरेस्टिंग चीज इनमें देखी मैंने कि ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक से जो है वो लिए गए हैं, इंटरेस्टिंग अच्छे बनाए गए हैं। तो नीट जो है जो अभी कुछ ही दिनों में आएगा, उसमें आप अपेयर होंगे इंशाल्लाह। तो वहां पर जो है इसी तरह के क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही जो है वहां पर पूछे जाते हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूं, पहला क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन 1 वहां पर आया हुआ है, वो इन्होंने एक रिएक्शन दी हुई है। ध्यान से देखना, मेरा मकसद ये है कि पेपर सॉल्व करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि अगर आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हो तो ये कंसेप्ट कैसे लगाना है, मेथड कैसे करना है, मेथड कौन सा लगाना है सॉल्व करने के लिए, वो आपको थोड़ा वह मैं जो है वो उसमें हेल्प करूंगा। तो जैसे ये एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा हुआ एक रिएक्शन दी हुई है। फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन ये है ए गैस प्लस बी, ये गैसेस फॉर्म में है, दे फॉर्म प्रोडक्ट्स सी, ये भी गैसेस फॉर्म में है, और डी जो है वो भी आपका गैसेस फॉर्म में है। ये वहां से रिएक्शन दी हुई है, गिवन रिएक्शन है, और इन्होंने इसमें डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज जो है वो इन्हें लिखा हुआ है -Q kilojoules, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये इन्होंने दी हुई है। रिवर्सिबल रिएक्शन है जैसे कि यहां पर जो है वो दिखाया गया है रिवर्सिबल। फिर उन्होंने पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इसका है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय, तो उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, किससे नहीं होगा वो इन्होंने ऑप्शंस में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है एडिशन ऑफ ए, देखिए बेटा ए करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, एडिशन ऑफ डी, डी करेंगे तो बैक की तरफ जाएगा, सी जो है वो है इंक्रीज इन प्रेशर, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो है यहां पर हमें जो प्रेशर का जो जो इफेक्ट है वो नहीं होगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां पर जो चेंज नंबर ऑफ मोल्स है आप देखिए वो कुछ भी नहीं है, ये एक मोल हो गई, यहां पर आपको 2 मोल है, यहां से भी 2 मोल है, जो डेल्टा एन है नंबर चेंज इन मोल्स वो जो है वो आपका 0 है। जब चेंज इन मोल्स है ही नहीं, जब डेल्टा एन 0 होगा याद रखना, तो प्रेशर का कोई असर उस पर नहीं होता। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इसका आंसर जो है वो सी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपके सामने मैंने बता दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर ये आप अच्छे से कर लेना, इस पे एक क्वेश्चन जो है पूछते। अच्छा, नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन जो आपका ऑर्गेनिक पोर्शन से है। ये लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिखते हैं कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है एक्स। ध्यान से सुनना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ठीक है, ये एक्स को आप क्या कर रहे हो, यू ट्रीट इट विद पीसीसी, इसको आप डाल रहे हो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी, ठीक है, और सॉल्वेंट रख रहे हो डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन इसको डाल रहे हो। ये कंपाउंड एक देता है जिसका नाम है वाई,
ठीक है, ये वाई जो है ये फिर आप फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, आयोडीन के साथ, और आप इसमें डाल रहे हो अल्कली, अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और वहां पर ये एक येलो प्रिसिपिटेट देता है, येलो प्रिसिपिटेट किसका देता है, येलो प्रिसिपिटेट देता है ऑफ ट्राई आयोडोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन CH3, ये आपका बन रहा है यहां पर, ठीक है। अब कहते हैं आप बताओ एक्स क्या है, ठीक है, आपको बताना है इसमें एक्स क्या है। देखिए ऑप्शंस जो है वो इन्होंने पहले लिखा हुआ है CH3CO एस्टेल्डिहाइड, दूसरा लिखा हुआ है इन्होंने CH3COCH3 एसीटोन लिखा हुआ है, तीसरा जो इन्होंने लिखा हुआ है वो इथेनॉल लिखा हुआ है, ठीक है, और चौथा जो है वो एसिटिक एसिड है, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर हमने देखना है कि ये जो आपका आयोडोफॉर्म बना हुआ है, आयोडोफॉर्म वाली आयोडोफॉर्म इज अ टेस्ट, आयोडोफॉर्म अगर आपने पढ़ा है, आयोडोफॉर्म जो है वो एल्डिहाइड्स या जो कीटोन्स दिखाते जिनके पास अल्फा मिथाइल होता है वो वाले देते हैं, या वो अल्फा मिथाइल वाले, या तो आपका इथेनॉल देता है, ठीक है, या तो देता है इथेनॉल, इथेनॉल जैसे अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये जो आपका आयोडोफॉर्म है इसका मतलब जरूरी या ये एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन जो है विद मिथाइल, वो ये भी है, ये भी है, ठीक है। इससे पहले जो है किसी चीज की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हम अल्कोहल की करेंगे, जब अल्कोहल की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तब जाके आपको जो है वहां पर एल्डिहाइड मिलेगा। अगर इथेनॉल यहां पर हम लेंगे तो इथेनॉल से आपको जो है वो एस्टेल्डिहाइड मिलेगा, एस्टेल्डिहाइड को आयोडोफॉर्म रिएक्शन से जो है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से आपका प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें आप क्या करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इथेनॉल है। देखो अगर मैं यहां पर रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन इसमें इस तरह से है कि जब आप CH3CH2 जो है CH2OH इथेनॉल जो है इसको जब आप PCC डालते हो, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ इन द जो है डाइक्लोरो जो आपका मीथेन जो है जो सॉल्वेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज होके CH3CHO बनाएगा, और इसका मतलब ये आपका एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया। उसको फिर जब आयोडीन डालते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड शेक करना इसको, तो आपको वहां पर आयोडोफॉर्म मिल जाता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो इथेनॉल, यहां पर ऑप्शन टू, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जो है अगर हम आगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलेंगे हम, देखिए बेटा इससे क्या होगा, आप ऐसे पेपर करते रहिए क्योंकि ये कल का ही पेपर है, ठीक है बेटा, ये 29 कल का पेपर है, कर्नाटका CET का पेपर है, तो 60 क्वेश्चंस वहां पे थे, ठीक है। आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन थे, इसे कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री इन्होंने दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। एक कंपाउंड है, इसका नाम है ए, ठीक है, कंपाउंड ए है, और इस ए का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O, ठीक है। ये कहता है ये इनसॉल्युबल इन सोडियम कार्बोनेट बट सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर विद न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ। सो कुदरती बात है, आपको बेटा ध्यान से देखो कि फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट जो देता है वो देते हैं फिनॉल, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये ए जो है वो फिनॉल होगा, ठीक है। When treated with bromine water compound A forms the compound B, कहते हैं जब आप इसको ब्रोमीन वाटर डालोगे, क्या डालोगे बेटा, ब्रोमीन वाटर डालोगे, तो ये कंपाउंड ए जो है ये हमें कंपाउंड बी देता है,
और उस कंपाउंड बी का फॉर्मूला है C7H5OBr3। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका कंपाउंड बन रहा है। अब आपको जो क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है, ये आपको पूछते हैं कि बताओ जी ए क्या है, ए क्या है। ठीक है, अब देखिए ए क्या है, यहां पर इन्होंने ऑप्शन वन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये CH2OH। आपको पता है बेटा दिस इज नॉट फिनॉल, दिस इज अल्कोहल, जिसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं? बेंजाइल एरोमेटिक अल्कोहल है ये, बेंजाइल अल्कोहल। वन नंबर टू ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बेटा यहां पर इन्होंने फिनॉल और यहां पर इन्होंने मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा इन्होंने ओ एच यहां पर लगा के यहां पर सी एच थ्री लगा दिया है। और डी ऑप्शन जो है, आप देखिए डी ऑप्शन जो है वो इन्होंने ओ एच यहां लगा के पैरा पोजिशन पे सी एच थ्री लगा दिया है। ठीक है, तो ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, तो इन तीन में से ही ऑप्शन होगा। मगर ये कहता है इन तीनों में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करना हमने बेटा, देखो आपको ट्राई ब्रोमो कंपाउंड मिल रहा है जिसमें तीन ब्रोमीन है। अब ध्यान से देखो यहां पर जब आपको ब्रोमिनेशन होगी, ठीक है, ब्रोमिनेशन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। किस पोजीशन पे करेगा? ध्यान से देखो बेटा, फिनॉल जो है इसमें यहां पर OH है, ये OH जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दैट मींस इट विल सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। अब देखिए बेटा इसके रेस्पेक्ट में दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, इसमें तीन पोजीशंस है। यहां पर आप देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर देखो, यहां पर इसकी ऑर्थो ये है, एक ऑर्थो तो ऑक्यूपाइड है, देन पैरा जो है ये है, इसमें जो है ऑर्थो एक ये है, ये दूसरी ऑर्थो है पैरा। तो इसका मतलब अगर यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान से देखो, आपको दो ही ब्रोमीन आएंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो दो ही ब्रोमीन आएंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको जो है तीन ब्रोमीन आएंगे, तो तीन ब्रोमीन तो यहां पर जुड़े हुए हैं, तो आपका ये वाला जो है आपका ऑप्शन बी इसमें है। This was question number 3. ठीक है, okay. Question number 4, again very important. अच्छा question, ठीक है, सारे टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं। ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक के वो डब्बों में जो लिखा होता है, एक्सरसाइजेस में जो होता है उन पे फोकस करना है, उन पे फोकस, उसके बाहर कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, बस उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपका क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने वहां पे सेट ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है। रिएक्शंस का सेट जो है वो क्या है, ध्यान से देखो बेटा क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसको साइलेंट पे डाल देता हूं। अच्छा ये देखो बेटा, ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इन सेट ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्शन है CH3COOH, इसमें आपने थायोनाइल क्लोराइड डाला हुआ है, इसने ए दिया हुआ है, इसको आपने बेंजीन डाला हुआ है। ठीक है, बेंजीन में एनहाइड्रस AlCl3 ये इसके साथ है, इसने बी दिया हुआ है, इसमें आपने HCN डाला हुआ है। देखो बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन बता रहे हैं, और इन्होंने सी दिया हुआ है, सी को आप जो है क्या डाल रहे हो, आप इसमें वाटर डाल रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो ये डी आ जाता है। आपने यहां पर पहचानना है डी क्या है, इस डी को पहचानना है। ठीक है, इस डी को पहचानना है। अब देखो बेटा ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या है, तो हम इसमें ऑप्शंस लिखेंगे। ऑप्शंस जो है वो क्या क्या है, वो यहां पर चार ऑप्शन है। चलिए हम इसको रिएक्शन को सॉल्व ही करते हैं, क्योंकि पहला तो दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन खुद भी खुद निकल जाएगा। ठीक है, अब टाइम उससे बच जाएगा। देखो बेटा इसमें हुआ क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड है, इसमें इन्होंने क्या डाला हुआ है, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, जो ही आप इसमें थायोनाइल क्लोराइड डालोगे तो ये क्या बनेगा, आप देखो बेटा ये बनेगा CH3COCl, एसिड क्लोराइड बनेगा, है ना। तो आपने इसका मतलब, जब आपने एसिटिक एसिड को
SOCl2 डाला तो एसिड क्लोराइड बन गया, ये ना ऐसे ये निकल जाएगा यहां से एसिड क्लोराइड, और इस एसिड क्लोराइड को अब आप क्या कर रहे हो, ये आपका ए बन गया, ठीक है। इस ए को आप बेंजीन डाल रहे हो और एनहाइड्रस AlCl3, बेटा आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या होने वाला है, इसमें आपको एसाइलेशन होने वाली है, ठीक है, एसिटाइलेशन इनफैक्ट यहां पे होगी, ठीक है, फ्रीडलक्राफ्ट एसिटाइलेशन, बेंजीन है तो यहां पर आपको जो बी है वो ये मिलेगा, बेंजीन के इस जगह जो है हम इसमें ये एसिटोफिनोन कहते हैं ना बेटा इसको, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन जो है वो आपका बी होगा। फिर बी को क्या कहते हैं, बी को क्या करो, बी को HCN डालो, देखो HCN डालो, आपको पता है साइनोहाइड्रिन बनेगा यहां पर, ठीक है ना, तो ये CN जो है नेगेटिव ये यहां आएगा, इस ये यहां से चला जाएगा और H पॉजिटिव जो है इसके साथ आएगा, सो यू विल गेट दिस, आपका जो C है वो कुछ इस तरह से, यहां पर आपका OH बना, ये आपका CN है और यहां से CH3 है, isn't it बेटा, बस अब इसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करनी है इसमें, ठीक है, तो वो जो है वो साइनाइड को इजीली हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, तो आपको ये यहां से OH, यहां से CH3 और यहां से COOH, ये आपका जो है ऑप्शन में जो ये वाला है ये आपका D है, ठीक है बेटा, ये आपका C था, इस तरह से निकल जाएगा, इज दैट क्लियर, ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, ये जो है कंपटीशन में ज्यादा बच्चों को ऑर्गेनिक में परेशानी होती है, तो जिसको ये आता है वो मेरिट में आगे चला जाता है, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन मैटर करता है, मगर कुछ क्वेश्चन जो है वाकई में वहां पर आपको बहुत एग्जर्ट करना पड़ता है, टेक्स्ट बुक पे जो है वो आप फोकस रखिए। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बहुत आसान है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने के ए वैल्यूज दिए हुए हैं, के ए वैल्यू आपको पता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, एसिडिक वैल्यू जो है एसिडिटी के ए से, के ए से किस किस का दिया हुआ है, H2SO3 नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा, और HCN का इसका दिया हुआ है जो ये जो इसका के वैल्यू दिया हुआ है वो है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दूसरा जो है इन्होंने दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसका दिया हुआ है एसिटिक एसिड का 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 और HCN का दिया हुआ है 4 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है, तो ये इन्होंने दिया हुआ है इनके के ए वैल्यू, मगर पूछा क्या है, इन्होंने पूछा क्या है, पूछा इन्होंने बता, इन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें से स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस जो है कौन प्रोड्यूस करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा इसका मतलब ये आपको ये नहीं पूछ रहे इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन बनाएगा, ठीक है, आपको पता है कि जो वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स ठीक है, दे गिव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेसिस, तो इसका मतलब आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं वीक एसिड ढूंढना है जो कि आपको जो वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस देगा, ठीक है, तो आप खुद ही बता सकते हो जितना ये कम वैल्यू होगा, आप देखो बेटा जितना ये क्योंकि माइनस में है, ठीक है, तो जितना इसका वैल्यू कम है उसका मतलब ना ये माइनस में कम है उतना ही बड़ी टर्म है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये जो आपका है ये आपका वीकेस्ट एसिड है, ये वीकेस्ट एसिड है, वीकेस्ट, अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस देगा, देयरफॉर द आंसर जो इसका है दैट इज HCN, ठीक है, वीकेस्ट एसिड विच विल गिव यू द स्ट्रॉन्गेस्ट
कंजुगेट बेस। ठीक है बेटा, तो ये एक और क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक पोर्शन से। यहां पर इन्होंने क्या लिया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ ए हमारे पास है, इसको आप जो है मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो वाटर, और ये आपको जो है यहां पर एसिटाल्डिहाइड देता है, एसिटाल्डिहाइड ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ए। फिर बी इन्होंने किया हुआ है, बी जो इन्होंने लिखा हुआ है, बी यहां पर ये डालते हैं इसको पीसीसी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सी इन्होंने लिखा हुआ है, जो जो यहां पर सी है वो भी यही बनाता है, मगर उसको हम डालते हैं टिन क्लोराइड और HCl और यहां पर जो है हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया हुआ है, बताओ जी ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, आप देखो बेटा एसिटाल्डिहाइड बना हुआ है, एसिटाल्डिहाइड बना हुआ है CH3CHO, ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो ए जो है आप देखेंगे, आराम से देख सकते हैं कि ये जो है यहां पर हाइड्रेशन इसमें करनी है, जो हाइड्रेशन जब हम किस की करते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। आपको पता ना बेटा हाइड्रेशन जब हम अल्काइन्स की करते हैं, इसकी अल्काइन्स की, तो वो आपका एसिटाल्डिहाइड। सो इसका मतलब ए जो है आपका अल्काइन होगा, दो कार्बन वाला, एंड दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिटिलीन होगा ए। अच्छा बी जो है ध्यान से देखो, ये आप कहते हैं किसको आप पीसीसी ऑक्सीडाइज करेंगे, आपको एसिटाल्डिहाइड, तो अल्कोहल होगा, दो कार्बन वाला अल्कोहल आपका जो है वो इथेनॉल है, तो बी इथेनॉल है। सी जो है अब देखिए, सी जो है इसकी रिडक्शन कर रहे हैं हम, तो इन्होंने जो इसमें रिडक्शन करनी है तो इन्होंने तीसरा जो है वो नाइट्राइल लिखा हुआ है, ठीक है, नाइट्राइल मतलब आपको साइनाइड जो है CH3CN, तो ये नाइट्राइल जो है आपने यहां पर लिखना है एस्टोनाइट्राइल, तो ये जो है आपका तीसरा होगा, रिडक्शन से आपको एस्टाल्डिहाइड मिलता है। देयरफॉर ए आपका होगा इथाइन, बी आपका होगा इथेनॉल और सी होगा इथेन नाइट्राइल। इज दैट क्लियर बेटा, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, रिएजेंट विच कैन डू द कन्वर्शन, कन्वर्शन किसका करना है, CH3COH का CH3CH2OH में, ठीक है। ये कहते हैं एसिड को आपने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो इसका बेस्ट रिएजेंट आपको पता है, जो आप आराम से लिख सकते हो, वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो सबसे ईथर में करेंगे आप यूज, तो ये इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक्चुअली उसका काम ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ को कन्वर्ट करना CH2 में, इसका ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर इसका आएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कहता है आपके पास CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, इसको आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला और फिर इसको हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। तो आपको वहां पर जो है, आपको वहां पर जो है एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है ए, इस ए को आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और हीट किया और आपको बी मिल गया, और बी को आपने ध्यान से देखो बेटा B2H6 डाल के,
ठीक है, आपने इसमें वाटर डाल के बेसिक कंडीशन में सी बना लिया। अब ये क्या कहता है, ये भाई साहब कहता है कि जो आपका ए और सी है, ए और सी, ये आपस में इनका रिलेशन क्या है, आर दे आइडेंटिकल, आर दे पोजिशन आइसोमर्स, आर दे फंक्शनल आइसोमर्स, या वो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये आपको ये पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम पहले इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें खुद खुद जो है वो पता चल जाएगा क्या करना है। ये देखिए बेटा, ये आपका है CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। जो ही आप इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ डालेंगे, CH3MgBr, और हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है यहां पर क्या होने वाला है, ये मिथाइल जो है ये यहां पे आएगा, है ना, आपको पता है, एंड देन दिस विल गो लाइक दिस। ठीक है, अल्टीमेटली आपका ये जो है इस तरह से बनेगा CH3, ये आपका यहां से CH3, ये आपका यहां पर OH, है ना, और ये आपका बनेगा H, ये आपका आ गया A। ठीक, उसके बाद ये कहते हैं कि आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड डालो, क्या डालो, सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट करो, कंसंट्रेट, तो डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन में पता है बेटा, एक तो ये OH निकलेगा और यहां से जो है आपका H निकल जाएगा, तो एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल गेट, आपके आपको मिलेगा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, है ना बेटा, आप देखो CH सिंगल बॉन्ड CH3, इजंट इट, ये आ गया आपका B, ये आपका था A, ये आपका आ गया B। और इसको फिर कहते हैं, इसको आप क्या करो, इसको आप ये, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको पता है उसमें ओवरऑल एडिशन होता है वाटर का बाय एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल मतलब कि नेगेटिव पार्ट जो है, जैसे कम हाइड्रोजन के पास जाता था मार्कोनिक ऑफ, इसमें ज्यादा वाले में जाएगा, तो ये यहां पे आ जाएगा और एच जो आपका यहां पर आ जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास ये बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2CH3, ये बन गया आपका C। अब ये कहते हैं जो आपका ए और सी है वो क्या है, आप देखो बेटा, ये 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन 2 ऑल है, 1 2 3, ये प्रोपेन 1 ऑल है, सो दैट मीन्स दीज 2 आर पोजिशन आइसोमर्स। पोजिशन आइसोमर्स इसका जो है वो आंसर है, पोजिशन आइसोमर्स। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बोर्ड थोड़ा गंदा है, पुराना है, ठीक है, अभी थोड़ा पैसे की परेशानी है, ठीक है, इंशाल्लाह वो डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, ठीक है, चलो तब तक हम काम चला लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 9, इजी क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर, नॉट नॉट ट्रू फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आपको पता है कि इसमें जो है एक ऑप्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो होता है ना बेटा, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर आपको होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो ठीक है, और या रिमूव होगा हाइड्रोजन, ये भी तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इन्होंने डी जो लिखा हुआ है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रिमूव जो है उसको नहीं कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये जो आपका आ गया वो एड होना चाहिए, रिमूव नहीं होना चाहिए, तो ये जो है सीधा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन। कन्वर्शन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको कन्वर्ट किया हुआ है, इनफैक्ट ऑक्सीडाइज किया हुआ है इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OH इसमें कन्वर्ट किया हुआ है,
तो यहां पर ये कहते हैं इसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, ठीक है, बेस्ट रिएजेंट कौन सा है। तो इन्होंने टॉलमद रिएजेंट लिया हुआ है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन है, पता है आपको। देन इसका जो है इन्होंने लिखा हुआ है आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो है आपने लिखना है आयोडीन, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सब्सिक्वेंट देन एसिडिफिकेशन, आपका एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा।